हाय, दिस इज़ अर्पिता, योर वॉक इन विथ अर्पी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि OMR शीट कैसे फिल करनी है एंड क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो मैंने आप सबके लिए एक ये सैम्पल शीट निकलवाई है। इसके हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे फिल करना है एंड क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। ऑल्दो इट्स नॉट द एग्जैक्ट वन जो कि आपको मिलेगी कल, बस ये सैम्पल के लिए है। ये वैसे मैंने नीट की निकलवाई है, बाकी आपको तो आइडिया मिल ही जाएगा कि क्या चीज़ें कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको ये शीट मिलेगी, इसमें आपको भरना स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लग रहा है कि आपसे बन रहे हैं, एक बार ही आप उसको क्रॉस चेक करो, आंसर क्रॉस चेक करो, ठीक है? और एकदम से स्टार्ट मत कर देना फिल करने। ऐसा भी मत करना कि एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो फिर आंसर कर रहे हो, एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो फिर आंसर कर रहे हो। इससे बार बार डिस्ट्रैक्शन होता है एंड प्लस आपके गलत होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एंड क्या पता आपको ऐसा हो कि आपने कोई और क्वेश्चन पढ़ लिया और आपने आंसर कर दिया। पहले आप स्टार्टिंग के 10-15 क्वेश्चन देखो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ सही है, क्रॉस चेक करो, हाँ आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को सही आंसर्स आ रहे हैं, देन उसके बाद अपनी OMR लो और भरना स्टार्ट कर दो। सिंस आप लोग को OMR शीट फिल करनी है, तो जो भी आप पेन लेके जाओ वो मेक श्योर कि बॉल पेन हो एंड उसकी इंक लीक ना करे, फैले ना, नहीं तो आपकी पूरी शीट ख़राब हो जाएगी एंड OMR रीडर आपकी OMR शीट रीड नहीं कर पाएगा। आप कुछ ऐसी पेन यूज़ कर सकते हो बट उसमें ये सब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसी पेन अलाउड नहीं है, तो ऐसी पेन अलाउड नहीं है, ठीक है? एंड जब भी आप पहले किसी क्वेश्चन में डाइसी हो तो उसको फिल मत करो, ठीक है? इज राइट ऑप्शन, आप डॉट लगा, तो आप कैसे डॉट एक डॉट लगा सकते हो क्योंकि वो रीड नहीं करा जाता है, ठीक है? एंड आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में हाफ फिल नहीं करके आओगे, आपको पूरा पूरा फिल करके आना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ऑल राइट क्वेश्चन है तो आपको पूरा फिल करना, ये जैसे फिल करा आपने एक क्वेश्चन में कोई ऑप्शन सही कर दिया है, ठीक है, उसमें आपने फिल कर दिया तो दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो इसीलिए अगर आप किसी भी क्वेश्चन में डाइसी हो तो पहले उसमें डॉट लगाओ, देन उसके बाद अगर जब आप कंफर्म कर लो तो उसमें पूरा सर्कल फिल कर दो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत कर दिया मैंने, तो नेक्स्ट सर्कल फिल कर दो जो सही है। तो दिस इज़ द राइट वे कि कैसे आप OMR शीट को फिल कर सकते हो। एंड ऑल्सो जैसे मैंने बताया कि आप जब भी फिल करो तो डबल चेक ज़रूर करना, क्योंकि अगर गलत हो गया फिल करने के बाद तो आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है कि आप उसे चेंज कर दो। सो दीज वर द थिंग्स जो आपको OMR शीट के साथ ध्यान रखनी है एंड अच्छे से फिल करके आना है। आई नो आपने साल भर बहुत मेहनत करी है एंड स्पेशली ये लास्ट के कुछ दिनों में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, सो हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, आप बहुत अच्छा करके आओगे। बस ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है तो आप कॉमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं आपको सारी चीज़ें अपडेट्स देती रहती हूँ टाइम टू टाइम। प्लस अभी मैं कुछ दिनों से आपको क्वेश्चंस भी शेयर कर देती हूँ, अब तो आपके पास प्रैक्टिस करने का ज़्यादा टाइम नहीं है बट स्टिल आप वहाँ फॉलो कर लेना, चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको आगे भी वहाँ पे अपडेट मिलेंगी। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं बहुत सारे लाइव सेशंस लूँगी जहाँ पे मैं आपके सारे डाउट्स बताऊँगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या कट ऑफ हो सकती है, मिलेगा नहीं मिलेगा, जितनी भी क्वेरीज होती हैं। सो या वंस अगैन ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।